छतरपुर जिले के लवकुशनगर थाना क्षेत्र के मुड़ेरी गांव में दलित के साथ मारपीट करने के मामले की कार्रवाई को लेकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दिया है और गांव के दबंग लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित रमेश अहिरवार ने थाना लवकुशनगर में आवेदन सौंपते हुए बताया कि 31 मई को पीड़ित के घर के बाहर गाँव के ही नीरज कुशवाहा, कुसुमा देवी और संध्या कुशवाहा के साथ दबंग लोग मारपीट कर रहे थे, जिसका पीड़ित ने मारपीट करने से रोका तो दबंगों ने उसके साथ ही मारपीट कर दी। मारपीट करने वालों में लागी शुक्ला, पवन, हल्के भैया शुक्ला, बुद्धा और शंभू शुक्ला मौजूद थे, लेकिन लवकुशनगर पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित ने कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी आवेदन सौंपा है। बस यही परेशानी है साहब कि मुझे निर्दोष को मारपीट की, मेरे दरवाजे के सामने इन लोगों को हल्ला मचा, मैं बाहर आया, इनको मारपीट करके मुझे मारपीट की इन लोगों ने, ठीक है। इसके बाद मुझे मारपीट करके इन्होंने मुझे बेहोश कर दिया। फिर यहाँ लौड़ी आया, लौड़ी से बेहोश होकर मुझे बेहोशी में मुझसे बयान लिए पुलिस वालों ने। थोड़ी सा होश आया, मैंने बयान दिए कि लांगी शुक्लो के भतीजे ने मुझे मारा है। इतने में बेहोश हो गया, मुझे ट्रांसफ़र कर दिया छतरपुर के लिए। छतरपुर में वहाँ रात पूरा रात और 4 बजे, इसके बाद हम रात के गए वहाँ पर, साथ में हमारी रिपोर्ट नहीं, कल से हम आए तो रिपोर्ट नहीं हुई। फिर उसके बाद वो दरोगा जी गए तो हमने रिपोर्ट लिखवाई तो बोले तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी रिपोर्ट हो चुकी है।